हेलो व्यूवर स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों ह्यूमन एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है जिसका मतलब है कि मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साथ काम करते हैं ताकि ह्यूमन चाइल्ड प्रोड्यूस कर सके और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचा सके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वे ऑर्गन शामिल होते हैं जो सेक्स सेल को प्रोड्यूस करते हैं और इन सेक्स सेल को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं इसके अलावा कुछ एक्सेसरीज ऑर्गन होते हैं जो रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक स्पम और एक एग आपस में यूनाइट होकर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मर्ज करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू एक एग यानी कि जायगाट का फॉर्मेशन होता है ये एग इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी को स्टैब्लिश करते हैं दोस्तों स्पर्म प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन से लेकर इसे ट्रांसपोर्ट करने वाले ऑर्गन को कलेक्टिवली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादातर बॉडी के बाहर स्थित होती है इन बाहरी ऑर्गन में पेनिस स्क्राटम और टेस्टिस शामिल है वहीं इंटरनल ऑर्गन में वॉस डिफरेंस एबलीडेमिस प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल विस्किल्स खाउप ग्लैंड और यूरेथ्रा शामिल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्सुअल फंक्शन के साथ साथ यूरिन एक्सक्रीशन का भी फंक्शन करता है दोस्तों आइए अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन और उसके फंक्शन को डिटेल में जानते हैं स्क्रॉटम एक सैक जैसी स्ट्रक्चर है जो पेनिस के नीचे लटकती रहती है यह डार्टस और क्रेमेस्टर मसल्स द्वारा एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा होता है स्क्रॉटम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए टेस्टिस के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है टेम्परेचर कम होने पे ये मसल्स और उसमें प्रेजेंट टेस्टिस को बॉडी के क्लोज ले जाती है जबकि टेम्परेचर अधिक होने पे ये मसल्स मसल्सम को बॉडी से दूर ले जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी टेम्परेचर से कम होती है इसी रीजन से टेस्टिस क्रॉटम के भीतर होता है क्रिप्टोरकाइडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे का टेस्टिस स्क्रॉटम में नहीं जा पाता इसे अनडिस टेस्टिकल भी कहा जाता है

सेमिनिफेरेस्टिब्यूल के बीच में ब्लैंक स्पेस होती है जिसमें लेडिक सेल्स होती है ये सेल्स मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टेस्ट्रॉन को प्रोड्यूस करती है टेस्टेस्ट्रॉन मेल में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करती है पेनिस लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेप का कॉर्पस पॉन्जियोसम टिश्यू से बना एक कॉपोलेटरी ऑर्गन है यह ऑर्गन यूरिन को एक्सक्रीट करने और सीमिन को एजैकुलेट करने का काम करता है नॉर्मल कंडीशन में यह ऑर्गन रिलैक्सड होता है पर एक्साइटमेंट के दौरान पेनिस के टिश्यू पर ब्लड के प्रेशर पड़ने की वजह से यह लॉन्ग और हार्ड हो जाता है

डिफरेंस एक मस्कुलर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है जो को जोडेमिस से पेनिस तक पहुंचाती है और एजाकुलन के समय तक स्पम को स्टोर करती है वॉस डिफरेंस की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है मेल प्रोडक्टिव सिस्टम में दो वॉस डिफरेंसिया होती है डिफरेंस डिफरेंस को भी कहा जाता है एजाकुलटरी डो सेंटीमीटर लंबा एक डक्ट होता है जो वॉस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स के फ्यूजन से बनता है इसी डक्ट के थ्रू इंटरकोर्स के दौरान स्पम को सीमिन के साथ यूरथ्रा में डिस्चार्ज किया जाता है सेमिनल विस्किल पिरामिडल सेप का एक सैक जैसा स्ट्रक्चर जो प्रत्येक वॉस डिफरेंस से जुड़ा होता है यह लगभग पांच सेंटीमीटर लंबा होता है इस ग्लैंड का सिक्रेशन एक थिक एल्कालाइन फ्लूड होता है जो सीमेन को फॉर्म करता है यह फ्लूड सीमेन का लगभग टू बाई थर्ड पार्ट होता है ग्लैंड एक अखरोट के आकार की ग्लैंड है जो यूरिनरी ब्लैडर और पेनिस के बीच में स्थित होती है यह ग्लैंड एक टाइप का एल्कालाइन लिक्विड का सिक्रेशन करता है सीमेंट का लगभग पांच से तीस परसेंट भाग इसी फ्लूड का बना होता है यह फ्लूड स्पम को नरिसमेंट प्रोवाइड करता है बल्बो ग्लैंड ग्लैंड जिसे कॉपर्स के नाम से भी जाना जाता है यह मटर के आकार की एक ग्लैंड होती है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे मौजूद होती है यह ग्लैंड एजाकुलेशन से पहले एक क्लियर म्यूकस का करती है जो स्पंजी में जाता है और ल्यूब्रिक की तरह फंक्शन करता है इन तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन ही मिलकर कलेक्टिवली सीमेन कहलाता है सीमेन एक ग्रेस वाइट कलर का लिक्विड है जो मेल के द्वारा एजाकुलेट होता है इसमें स्पर्म, फ्रुक्टोज और कुछ एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म्स को जीवित रखने में मदद करते हैं एक्चुअली सीमेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट एक्सेसरीज ग्लैंड जैसे कि सेमिनल वेस्किल्स प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपस ग्लैंड के सिक्रिशन से बनता है इसमें मौजूद प्रोटीन की बड़ी मात्रा के कारण यह सफेद रंग का ओपेल सेंस होता है और उसमें मौजूद स्पम के कारण इसका अपियरेंस स्लाइटली टर्बिड होता है एक नॉर्मल एजाकुलेशन में सीमेन की अमाउंट लगभग दो से चार एम या उससे अधिक होती है जिसमें लगभग दस यानी कि लगभग फोर्टी मिलियन स्पम होता है यदि एजाकुलेशन के बीच लंबा गैप हो तो सीमेन में की संख्या बढ़ जाती है हार्मोन पर डिपेंड होता है यह हार्मोन एक ऐसी केमिकल्स है जो आपके सेल्स या ऑर्गन की एक्टिविटीज को स्टिमुलेट या रेगुलेट करते हैं एफ एस और टेस्टोस्टॉन जैसे हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है एफ और एल एच पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है